हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पे सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक्स और उससे जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय पे दी जाती है। इसलिए इस चैनल पे पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। जी, बजाज फाइनेंस कंपनी जिसने कि अपने Q1 के अपडेट्स प्रेजेंट किए हैं जो कि बेहद स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। अपना पुराना 52 वीक हाई 8050 का है, उसको ब्रेक करके 10,000 पार करके दिखाएगा हम लोगों को। इसके अलावा बजाज फाइनेंस किस तरह की कंपनी है, कैसा इसका बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज हाउसेज के क्या टारगेट प्रेजेंट किए हैं बजाज फाइनेंस पे, ये सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। आगे सबसे पहले आप लोगों को दिखा देते हैं बजाज फाइनेंस ने Q1 के जो अपडेट्स प्रेजेंट किए हैं। देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस के Q1 अपडेट्स आप लोगों के सामने हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोर एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इस क्वार्टर में रही 2,04,000 करोड़, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 1,56,115 करोड़, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर 31% की ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट में हम लोगों को देखने को मिल रही है। और इसी शानदार Q1 अपडेट की वजह से बजाज फाइनेंस में शानदार तेजी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, तकरीबन 5% की तेजी अभी भी शेयर में चल रही है, तो ऐसी ही तेजी बरकरार रह सकती है बजाज फाइनेंस में, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने शानदार Q1 अपडेट्स प्रेजेंट किए हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिए हैं। बजाज फाइनेंस जो कंपनी है दोस्तों, वो एक तरह का बिजनेस करती है जिसमें ये लोगों को लोन्स देती है, एक तरह से लेंडिंग का काम है इसका। आइए थोड़े से फंडामेंटल इसके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस ने क्या व्यूज बनाए हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर और आप लोगों को कैसा नजरिया रखना चाहिए। बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप 3,58,329 करोड़ की है। लार्ज कैप कंपनी है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 10.2% की मेंटेन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4% की मेंटेन है। लो और हाई 5,220 का लो और 8,050 का हाई, 52 वीक हाई इसने लगाया था। इसकी फेस वैल्यू जो है 2 की चल रही है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट करके आप लोगों को एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट भी ये कंपनी दे सकती है। आज दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज ऑन मार्च 2015 कंपनी की रिवेन्यू जो था 5,392 करोड़ का हुआ करता था, जो कि बढ़कर 31,632 करोड़ हो गया मार्च 2022 में। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देखते हैं, 898 करोड़ का होता था कंपनी का मार्च 2015 में, जो कि बढ़कर हो गया 7,028 करोड़ एज ऑन मार्च 2022। तो आप देख सकते हैं कितने गुना इसने अपना नेट प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर देखें तो 17.90 रुपी का था, जो कि बढ़कर हो गया 116.09 रुपी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपनी से 5 सालों की 26% की मेंटेन है पर एनम। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों से 31% पर एनम का मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 1 साल में -9% के रिटर्न दिए हैं इसने, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी थी शेयर में। 3 साल में इतनी गिरावट के बावजूद भी 15% पर एनम के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। 5 साल से लगातार 32% पर एनम के रिटर्न बना के दे रहा है और 10 साल से लगातार 52% पर एनम के रिटर्न बना के दे रहा है ये स्टॉक। आइए दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मार्च 2022 में प्रमोटर के पास 55.86% की होल्डिंग है। FIIs के पास 21.41% की होल्डिंग है। कितना भारी भरकम इन्वेस्ट किया हुए हैं FIIs इसमें। DIIs की 11.22% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास रिमेनिंग 11.15% की होल्डिंग है। बजाज फाइनेंस का शेयर प्राइस का चार्ट देखिए दोस्तों, कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है। 100% के रिटर्न बना के दे चुका है ये शेयर। आप सोचिए दोस्तों, कितने गुना पैसे को किया होगा इसने। पैसे को इसने 1031 टाइम्स कर दिया है ऑल टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बजाज फाइनेंस ने शानदार Q1 अपडेट दिए हैं, तो उसमें शानदार तेजी ऐसी बनी रह सकती है। शेयर जो है नया 52 वीक हाई लगा सकता है, पुराना 52 वीक हाई 8050 को है उसको ब्रेक कर सकता है और अपना जो हमारा टारगेट है 10,000 का उसको जरूर अचीव करके दिखाएगा। और 10,000 का अचीव करने में इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 साल से भी कम समय में ये शेयर आप लोगों को 10,000 से ऊपर का दिखाई देगा। इसीलिए अगर अब तक आप लोगों ने इसमें निवेश नहीं किया है तो अभी भी इसको बाय कर लीजिए। अभी भी शेयर बहुत ज्यादा भागा नहीं है, अभी भी 52 वीक हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। जब ये शेयर भागना शुरू करता है ये रुकता नहीं है, 10-10%, 20-20% के सर्किट लगाता है ये शेयर। आइए ब्रोकरेज हाउसेस के भी थोड़े से व्यूज देख लेते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 6175 के टारगेट दिए हैं, ये तो बहुत जल्दी अचीव कर लेगा शेयर। मॉर्गन स्टेनली ने 8,000 के टारगेट्स दिए हैं। उसी तरीके से CLSA का देखिए, इसने सेल कॉल दिया है और 5,000 का टारगेट दिया है, जो कि हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। कंपनी शानदार है,
तो शेयर प्राइस गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इतने अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं कंपनी ने क्वार्टर वन के अपडेट्स, तो अब शेयर के गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आप सीएलएसए की रिपोर्ट पर ध्यान मत दीजिए और शेयर को भर भर के बाय कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी जान पाए बजाज फाइनेंस ने किस तरीके के Q1 अपडेट्स दिए हैं और शेयर जो है किस वजह से इसका लगातार भाग रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।